हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आपको अपकमिंग डेज में सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइज, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है, दैट इज़ की जो यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उन्होंने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने आपका अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट यूजी एंड पीजी दोनों के लिए ही और साथ ही पीएचडी के लिए, तीनों के लिए ही कुछ क्राइटेरिया जो है वो सेट करने की बात करेगी 2022-23 से। तो आज की इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे हम, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। गाइस, पहले तो हम ये बता दें आपको कि सीयू सेट होता क्या है। दैट इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। सीईटी का मतलब है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि लिया जाता है सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन पर्पज़ के लिए। ऐसे ही यहाँ पर पीएचडी के लिए जो है वो नेट के लिए बोला गया, तो मैं आपको अभी बता दूंगा उसके बारे में भी, पहले हम समझ लेते हैं इसके बारे में। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को बोला गया कि भाई आपको सेट जो है वो यहाँ पर सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड बेस्ड जो टेस्ट होते हैं उसको, उसके अकॉर्डिंग इसको आपको लेना है। और यहाँ पर जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं अराउंड इंडिया में कनेक्टेड थ्रू एंड वॉज, अच्छा इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। टीओआई दैट इज टाइम्स ऑफ इंडिया वॉज फर्स्ट टू रिपोर्ट दैट द एजुकेशन मिनिस्ट्री वॉज फाइनलाइजिंग द प्रोसीजरल डिटेल्स ऑफ सीईटी टू बी कंडक्टेड इन 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज फ्रॉम 2022। 2022 से 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि इंडिया में है, यहाँ पर इनके लिए यूजी पीजी दोनों में एडमिशन के लिए जो आपका सीईटी एग्जाम है वो कंडक्ट किया जाएगा और एनटीए जो है इसको कंडक्ट करेगा। अगर हम बात करें पीएचडी की, तो यूजीसी हैज ऑल्सो सेड दैट पीएचडी एडमिशन नेट स्कोर शैल बी कंसिडर्ड वेर एवर फिजिबल। तो यहाँ पर ये बोला गया कि नेट का स्कोर आपको दिया जाएगा एडमिशन के टाइम पर, ये नहीं बोला गया कि कंपलसरी ही है। मतलब ये नहीं, अभी कंपलसरी पर जो नोटिस है वो भी नहीं आया है, लेकिन बहुत जल्दी ये कंपलसरी भी हो जाएगा। तो अगर आपको पीएचडी करनी है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो नेट क्वालिफाई करना भी आपके लिए कंपलसरी हो जाएगा अपकमिंग डेज में। अभी अभी जो है फिलहाल नेट जो आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है एज ए लेक्चरर बनने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, बट जब 2023 से पीएचडी जब कंपलसरी हो जाएगी, तब एज ए पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए आपके लिए नेट जो है वो कंपलसरी कर दिया जाएगा। आई थिंक ये बोला गया, बट अभी फिलहाल के लिए नेट कंपलसरी नहीं है, बट इसका जो स्कोर है वो कंसिडर किया जाएगा आपके पीएचडी एडमिशन के लिए। द लेटर सेंड टू द वाइस चांसलर ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज स्टेटेड आफ्टर डिटेल्ड डेलिब्रेशन इट वॉज रिजॉल्व दैट सीईटी फॉर यूजी एंड पीजी कोर्सेज में बी कंडक्टेड फ्रॉम 2022 एंड 2023 एकेडमिक सेशन, मतलब जो अपकमिंग सेशन है उसी से, और एनटीए जो इस एग्जाम को कंडक्ट करेगी। तो यहाँ पर गाइज 2020 की जो पॉलिसी उसमें ये भी बोला गया था कि एनटीए जो है एग्जाम कंडक्ट करना चाहिए, जैसे कि फॉरेन कंट्रीज में होता है, यूएस कैनेडा वगैरह में एक सिंगल टेस्ट होता है और उसके बेस पर एडमिशन होते हैं, और यहाँ पर अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग टेस्ट लिए जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि एक सिंगल टेस्ट होगा जिसके रैंक के बेस पे जो आपका एडमिशन है वो डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में आप ले पाओगे। जैसे कि आपको पता होगा जेएनयू, बीएचयू, ओडीयू, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, सभी लोग अपना अपना एंट्रेंस टेस्ट जो है वो कंडक्ट करते थे। अब क्या होगा, एक सिंगल टेस्ट होगा, सीयू सेट के नाम से जाना जाएगा, ठीक है, और उसी को क्वालिफाई करने के बाद आप जो है यहाँ पर एडमिशन ले पाओगे। ऐसे ही पीएचडी में जो नेट है वो कंपलसरी कर दिया जाएगा बहुत जल्दी, तो फटाफट से पढ़ना स्टार्ट कर लो। और यहाँ पर अब ये मान लो कि आप अगर आप नेट क्वालिफाई करोगे तभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर या पीएचडी के लिए अप्लाई कर पाओगे। सो गाइज, इस वीडियो में इतना ही, आपके क्या व्यूज हैं कॉमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।